वेलकम टू द चैनल स्वीटी मेडिको। जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में देखा था, हमने धीरे धीरे करके पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश करी थी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, एंड दैट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर अकॉर्डिंग टू द न्यू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में जब से सिलेबस चेंज हुआ है, तो वो जो टैक्सोनॉमिकल एड वाला पार्ट था, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये सारे वाले पार्ट को ना हटा दिया गया है। तो हम उस पार्ट को लास्ट में कवर करेंगे जब हमारा सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम फिलहाल सिर्फ उस पार्ट पे फोकस करते हैं विच इज़ गिवन इन एनसीईआरटी। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लास्ट में हमने फैमिली पे फिनिश किया था। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्डर के बारे में। गाइज, जैसे मैंने आपको वो पिरामिड के बारे में बताया था, तो वैसे ही मैं सिमिलरली कहूँगी कि ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिली इज कॉल्ड ऑर्डर। क्या कहते हैं हम? जब ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिली आता है तब हम उसे कहते हैं ऑर्डर। ऑर्डर फॉर प्लांट्स, प्लांट्स के लिए ऑर्डर बेस्ड होता है फ्लोरल कैरेक्टर्स पे। फ्लोरल कैरेक्टर्स का मतलब होता है हम फूल वगैरह की बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द फ्लोरल कैरेक्टर्स। तो ऑर्डर फॉर प्लांट्स इज बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, एनिमल के केस में ऑर्डर कौन कौन से होते हैं। एनिमल के केस में ऑर्डर होते हैं प्राइमेटा, रोडेंशिया और कार्निवोरा। कितने ऑर्डर होते हैं? तीन ऑर्डर होते हैं, प्राइमेटा, रोडेंशिया और कार्निवोरा। रोडेंशिया के अंदर आप लोग सोचेंगे क्या आता है, रोडेंशिया के अंदर जितने भी रैट्स, चूहे वगैरह होते हैं उनको हम कहते हैं रोडेंशिया के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स के अंदर कौन कौन से ऑर्डर आते हैं? सेपेंडल्स एंड पॉइल्स एंड नेक्स्ट पोलीमोनियल्स। ये सारे एग्जाम्पल हैं प्लांट्स के ऑर्डर के। जब भी प्लांट्स के अंदर ऑर्डर लिखा जाता है तो लास्ट में जो सफिक्स होता है वो लिखा जाता है ALES, इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्डर। नेक्स्ट बात करते हैं एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर जब भी सफिक्स आता है लास्ट में वो होता है ए, जैसे कि आप इसके अंदर देख रहे हैं प्राइमेटा, रोडेंशिया एंड कार्निवोरा। प्लांट्स के अंदर एल्स आता है तो ऑर्डर के अंदर एल्स, पॉइल्स एंड पोलीमोनियल्स। राइट, तो ये हमारा एग्जाम्पल है। अब एक ये लास्ट एग्जाम्पल जो है हमारी एनसीईआरटी में गिवन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या एग्जाम्पल है? कार्निवोरा। कार्निवोरा क्या है? एक तरीके का ऑर्डर है। ऑर्डर से नीचे हमने किसकी बात करी थी? फैमिली के बारे में बात करी थी। तो ऑर्डर से नीचे जब हमने फैमिली के बारे में बात करी थी तो फैमिली आती है कैनिडेई एंड नेक्स्ट आती है फेलिडेई। फैमिली कौन सी है? कैनिडेई और फेलिडेई। कैनिडेई और फेलिडेई आपको मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर फैमिली के बारे में बताया था। मोनियल्स, पॉलीमोनियल्स भी एक तरह का ऑर्डर होता है जिसके अंदर नीचे आती है फैमिली। कन वल्वुलेसी, ये नाम थोड़ा टिपिकल है लेने में बट आपको याद रखना पड़ेगा, कन वल्वुलेसी। ठीक है, फैमिली के अंदर हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ACEAE आता है, उससे हम फैमिली आइडेंटिफाई करते हैं। और इसके अंदर दूसरी फैमिली आती है सोलेनेसी। राइट, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर, और फैमिली कन्वल्वुलेसी और सोलेनेसी। इसका एग्जाम्पल है स्वीट पी और इसका एग्जाम्पल है पटैटो। राइट, दिस इज ऑल क्लियर। दिस इज ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिली इज कॉल्ड ऑर्डर, एंड ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर को हम क्या कहते हैं? क्लास। ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर को हम कहते हैं क्लास। एनिमल्स के अंदर अब हम बात करते हैं, एनिमल्स के अंदर दो क्लासेज आती हैं, एक आती है मेमेलिया एंड नेक्स्ट फॉर्म क्या कहते हैं? एम्फीबिया। प्लांट्स के अंदर भी दो क्लासेस आती हैं, फर्स्ट वाली को हम क्या कहते हैं? डाइकोटिलेडनी एंड नेक्स्ट वाली को हम क्या कहते हैं? मोनोकोटिलेडनी। राइट, अब एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट इज मेमेलिया। मेमेलिया के अंदर जब हम बात करेंगे सो दिस इज कॉल्ड क्लास। इस क्लास के अंदर तीन ऑर्डर आते हैं जिसे हम कहते हैं, पहले वाले को कहते हैं प्राइमेटा, नेक्स्ट वाले को कहते हैं कार्निवोरा एंड उससे नेक्स्ट को कहते हैं रोडेंशिया। ठीक है, तो तीन ऑर्डर आते हैं, प्राइमेटा, कार्निवोरा और रोडेंट्स। प्राइमेटा के अंदर कौन आते हैं? जो ह्यूमन रिलेटेड होते हैं हम उन्हें कह देते हैं प्राइमेटा। कार्निवोरा जैसे कि बाकी सारे एनिमल्स, और रोडेंशिया के अंदर कौन कौन आते हैं? जितने भी चूहे वगैरह होते हैं वो सारे रोडेंट्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डाइकोटिलेडनी की। डाइकोटिलेडनी के अंदर, डाइकोटिलेडनी हमारी एक क्लास है जिसके अंदर दो ऑर्डर आते हैं, सेपेंडल्स एंड नेक्स्ट इज पॉलीमोनियल्स। राइट, दो ऑर्डर आते हैं, प्लांट्स के बारे में बात करी, इधर हमने एनिमल्स के बारे में बात करी और इधर हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं। डाइकोट्स के अंदर दो ऑर्डर आते हैं, सेपेंडल्स एंड पॉलीमोनियल्स। राइट, और एक चीज़ आपको और बतानी थी, मैमल्स वो होते हैं जिनके अंदर हेयर्स होते हैं हम उन्हें मैमल्स कहते हैं, और दूसरा उनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, देन दे कैन फीड अप टू देयर बेबीज, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड मैमल्स, बिकॉज दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स एंड दे हैव हेयर्स ऑन देयर बॉडी। राइट, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइलम और डिवीजन के बारे में। फाइलम और डिवीजन एक ही वर्ड है बट डिफरेंशिएट होता है ऑन द बेसिस ऑफ एनिमल्स,
एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट्स. एनिमल्स के बारे में जब हम बात करें, जब हम फाइलम बोलेंगे सो दैट इज़ रिलेटेड टू एनिमल्स, एंड जब हम डिवीजन बोलेंगे दैट इज़ रिलेटेड टू प्लांट्स. एनिमल्स के अंदर जो फाइलम होता है उसे हम कह देते हैं कॉर्डेटा. दिस इज कॉल्ड कॉर्डेटा. ये क्या है, एक तरह का फाइलम है. अब इसके अंदर कौन कौन सी क्लासेस आती हैं, मेमेलिया जो हमने अब ऊपर पढ़ी, मेमेलिया, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड पाइसिस. सबको इनके बारे में पता होता है, मैमल्स, रेप्टाइल्स जैसे कि लिजार्ड वगैरह आती हैं एम्फीबियंस के अंदर, और पाइसिस के अंदर कौन आते हैं, फिशेज वगैरह आती हैं. ठीक है, डिवीजन के नेक्स्ट बात करते हैं हम प्लांट्स के बारे में. प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स का एक डिवीजन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, डायकॉट के अंदर और मोनोकॉट के अंदर. ये क्या होती हैं हमारी क्लासेस, जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था. दिस इज डिवीजन एंड दिस इज क्लास. अब नेक्स्ट हमारा लास्ट पार्ट है किंगडम. किंगडम के अंदर हमने पांच पढ़े जो कि हमारे आने वाले नेक्स्ट चैप्टर्स में आएंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमिलिया. राइट, पांच हमने किंगडम पढ़े, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमिलिया. ये सारी चीज़ें आपके आगे आने वाले बॉटनी के चैप्टर्स में सारी कवर होंगी, और एनिमिलिया वाला पार्ट आपका जू में कवर होगा. सो दिस चैप्टर एंड्स हेयर. आई होप सो आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा. इस चैप्टर का और भी पार्ट है बट नीट के लेवल पे वो शायद अभी हमें कंफर्म नहीं है कि वो कटा है या नहीं कटा है, बट ऑन द बेसिस ऑफ बोर्ड्स सिर्फ इतना ही जितना हमने कवर किया इतना ही है. बाकी आने वाले टाइम पे जैसे ही ये कंफर्मेशन आएगी हम उसके लिए भी वीडियोस अपलोड करेंगे. ठीक है, एंड इफ़ दिस चैप्टर एंड्स हेयर सो आई होप सो यू लाइक द वीडियो. इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट एंड लाइक इट. थैंक यू.